खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। प्रदूषण के खिलाफ एबीपी न्यूज की मुहिम जारी है और आपको बता दें कि दिल्ली के सेंट स्टीफन्स ग्राउंड में विजय मर्चेंट अंडर 16 टूर्नामेंट हो रहा है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच में मुकाबला चल रहा है। इतने प्रदूषण के बीच में भी बच्चे मैच खेलने को मजबूर हैं। हवा बहुत खराब है और इस वक्त सेंट स्टीफन्स ग्राउंड में मौजूद है मेरे सहयोगी जीएस विवेक, उनका सीधे रुख करते हुए। जीएस, इतनी जहरीली हवा के बीच में भी बच्चे मैच खेल रहे हैं, बच्चों का क्या कहना है, कोई दिक्कत उन्हें आ रही है क्या? देखिए, पिछले तीन दिन से वो खेल रहे हैं लगातार। ये विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 की ट्रॉफी है, तीन दिनों का मैच होता है, लगभग मान के चलिए आप एक टेस्ट मैच की तरह है। और आपको बता दें कि जितनी जहरीली ये जो हवा है उसमें तीन दिन सुबह ये बच्चे आ जाते हैं 7:30 बजे वार्म अप करने के लिए, और रिपोर्टिंग टाइम का सुबह 7:30 बजे है, उसके बाद ये आके वार्म अप करते हैं और फिर 90 ओवर ये एक दिन में खेलते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि तीन दिनों में कितने ओवर्स का क्रिकेट इन बच्चों ने खेला है। और ये आज तीसरा दिन है, आखिरी दिन है, और दो दिन से लगातार इतनी प्रदूषित एरिया में ये बच्चे मैच खेल रहे हैं। दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी लगा हुआ है, स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, लेकिन इन बच्चों को, जो 16 साल के कम के बच्चे हैं, इनको कोई राहत नहीं मिली है। एक तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ ही किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी पर फिरोजशाह कोटला मैदान है, जहां पर मैच को लेकर काफी लोगों ने आपत्ति जताई है कि इतने प्रदूषण के बीच मैच नहीं हो सकता है। लेकिन इस मैच पर ना ही बीसीसीआई का ध्यान गया है और ना ही किसी एनवायरमेंटलिस्ट पे, क्योंकि ये बच्चों के पास कोई चॉइस नहीं है, इनके पास मास्क भी नहीं है, इनको यहां पर सुबह रिपोर्टिंग करनी है, इनके साथ साथ इनके माँ बाप भी यहां बैठे हैं। और दिक्कत की बात सिर्फ इतनी है कि कोई भी यहां पर खुल के बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर बोलेंगे तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। इसी बीच आप देख सकते हैं कि हवा आपको खुद ही अपने कैमरे के स्क्रीन पर दिखाई देगा कि कितनी ज्यादा खराब है, लेकिन इसके बावजूद इन बच्चों के पास कोई चॉइस नहीं है। तीन दिन से ये जहरीली हवा अपने जो है उसके बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है और बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि इतनी मेहनत से अंडर 16 में ये बच्चे पहुंचे हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं, माँ बाप कुछ बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि बच्चों की मेहनत जो उन्हें यहां तक लेकर आई है। और ऐसे में प्रदूषण की मार भी झेलनी पड़ रही है, प्रदूषित हवा इन बच्चों के अंदर जा रही है, 90 ओवर उनको रोज खेलने पड़ते हैं। अंदाजा लगाइए बच्चों के फेफड़ों पर क्या असर पड़ रहा होगा, इनके स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ रहा होगा।